राजस्थान के हमारे कितने जिले हैं? 33 जिले, उनमें से 14 जिलों में आप पहले प्रवास कर चुके हैं। आप 15वें जिले में हाड़ौती का जो प्रमुख जिला है हमारे साथ शुरुआत हो करके, और आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं सम्माननीय प्रिंसिपल महोदया से आग्रह करूँगा, डॉक्टर वंदना जैन, एक ऐसा नाम जो समाज सेवा में शहर में अग्रणी नाम है, उनके सौजन्य से आज हम इस स्कूल में यहाँ हैं। महाराज श्री को जो है वो श्रीफल भेंट करें और पुष्पहार भेंट करें। आदरणीय वंदना जी, हेलो। इसी क्रम में आग्रह करूंगा शिव कुमार जी से कि वो संक्षिप्त से महाराज श्री की उद्देश्य और यात्रा के बारे में बताएं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। भगवान राधाकृष्ण को नमन, माँ सरस्वती को नमन, माँ भारती को नमन। आप राजस्थान में बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ से हैं, आध्यात्मिक जगत में एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में आपकी बड़ी पहचान है। देश में 300 से अधिक कथाएं आपने करी हैं। अब आपने एक संकल्प किया है, राष्ट्र के युवाओं को संकल्पित करके गीता प्रदान करना, उन्हें हमारे वेद पुराण गीता की जानकारी देना और उनके जीवन को संस्कारित करना, उनको जीवन का वो मार्ग बताना जिसके माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण करके नौकरी प्राप्त करे और अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने समाज और राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करें, ऐसा एक संकल्प है। और इस संकल्प यात्रा के, जैसे अभी यज्ञदत्त जी बताए थे, 14 पड़ाव पूरे हो चुके हैं और 15वें पड़ाव में शिक्षा की नगरी कोटा में आप इस समय प्रवास कर रहे हैं और कोटा में आज इस यात्रा का पंचम दिवस है, 5वां दिन है। आपकी कथा चल रही है अग्रसेन सभागार तलवंडी में। यह संकल्प इसलिए किया गया है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित हो रही है, अपने लक्ष्य से भटक रही है और उसके पीछे कारण है कि आज की जो ये चकाचौंध है वो बच्चों को निश्चित रूप से भ्रमित कर रही है, क्योंकि आज मोबाइल, फैशन, टीवी का ये युग है जिसमें बच्चों का आकर्षण बहुत ज़्यादा है और इसी का कारण है कि वो जो मूल उद्देश्य उनका होना चाहिए युवावस्था में पढ़ाई करना, वो थोड़ा सा भटक रहा है। पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे अंक भी प्राप्त कर रहे हैं। जब भी अभी मैं यहाँ पर विद्यालय में प्रवेश कर रहा था, क्योंकि एक पत्रकार हूँ तो नज़रें चारों तरफ दौड़ती रहती है कहाँ क्या हो रहा है, और ख़ासतौर से सरकारी संस्थानों में जाते हैं तो पत्रकार का दिमाग ज़्यादा चलता है। तो अभी मैं देख रहा था बोर्ड पर समृद्धि नाम की लड़की, जिन्होंने जिले को टॉपर किया 97%, इस विद्यालय की बालिका, तालियां बजाई उसके लिए एक बार, समृद्धि के लिए। एक और नाम पढ़ा मैंने, तस्मिया, जिन्होंने 92% अंक प्राप्त किए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुस्लिम समाज की लड़कियां, एक वक्त था जब उनको बाहर नहीं भेजा जाता था, पढ़ाई नहीं कर पाती थी, और आज अगर उस धर्म की लड़की इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है तो मैं इस बच्ची को सैल्यूट करता हूं, उसकी प्रतिभा को नमन करता हूं। 15 जिलों में 75,000 बच्चों से मिलकर उनको संकल्प दिलवाया है और हमारे हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी जो धार्मिक कृति है, भगवान कृष्ण की जो वाणी है, वो गीता आपने निःशुल्क प्रदान की है और उसके रहस्य के बारे में बताया है कि इसमें क्या है, इसको पढ़ने से क्या मिलता है, कैसे किसी चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें समाहित करके एक आधे पौन घंटे का एक प्रवचन, एक सत्र होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से उसको सुनिए, एक एक बात आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत उपयोगी होगी और आपके जीवन में अमृत भर देगी। तो मैं अधिक वक्त नहीं लूंगा, मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राष्ट्र की युवा पीढ़ी, जो देवी स्वरूपा बालिकाएं आपके सामने बैठी है, उनको अपने अमृतमय प्रवचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। जन्मान्धस्युतन्वयादितरतश्चार्धेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायाधिकवै मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वाहरिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं
नित्यं परम धीमहि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य जी, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जन, गुरुजन और मेरी सारी बालिकाएं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य आपके गुरुकुल का है और यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 20-30 मिनट का ये सत्र आपके लिए बहु उपयोगी हो सकता है, तो बिल्कुल गंभीरता से सुनना है, गंभीरता से बैठना नहीं है। कई बेटियां मैं देख रही हूँ बहुत ही गंभीर तरीके से बैठी है, बहुत ही सीरियस होके बैठी है, तो अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल रखो, गंभीरता से सुनो, गंभीरता से बैठो मत। और अब जब बेटियों का समूह है ज़्यादा है तो मैं आज कुछ आपके उपयोगी बातें करूँगा। कई बच्चियां बहुत छोटी लग रही है। अच्छा, 9th क्लास के बच्चे कौन कौन है, हाथ ऊपर करे दो। वाह, जो 9th से नीचे भी है क्या, 8th के भी है क्या, 8वीं क्लास के। अच्छा, और 12th के, 11th 12th। वाह, चलो, तो आप सबको आज का जो सत्र है वो विशेष बेटियों के लिए है। इस संसार में जब भगवान ऐश्वर्य को, धन को, संपत्ति को उतारता है ना, तब घर में बेटे का जन्म होता है। और जब भगवान घर में दया, करुणा, प्रेम और वात्सल्य को उतारता है तब उस घर में बेटी का जन्म होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि जिस घर में बेटी पैदा होती है वो घर सनातन संस्कृति के अनुसार सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। जिस घर में, बोलो ना, बेटी होती है। हमारे यहां पर जब घर में बेटी होती है तो हमारे माँ बाप कहते हैं कि लक्ष्मी आई। क्या कहते हैं, कोटा में भी यही कहा जाता है ना, बेटी होती है तो क्या कहते हैं, लक्ष्मी आई। अरे बेटा होता तो कोई कहता है क्या, विष्णु आया है, नारायण आया, विष्णु आया, कोई नहीं कहता। पर जब घर में बेटी का जन्म होता है तो कहा जाता है लक्ष्मी आई। यानी कि हमारे धर्म में बेटी का स्थान जो है वो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है। हमारे धर्म में कहा जाता है यत्र नारी पूजेंते तत्र रमन्ते देवता। अन्य कहीं ऐसा नहीं कहा गया, पर सनातन संस्कृति में यह कहा जाता है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते हैं। यानी कि हमारे समाज में अगर सबसे ऊंचा स्थान किसी का है तो वो नारी का है, बेटी का है। आज हम जो बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। धर्म का मतलब केवल हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म या मुस्लिम धर्म से नहीं है। यह नाम तो हम लोगों ने दिए हैं,
यहाँ पर हिंदू बेटियां भी बैठी हैं, मुस्लिम बेटियां भी बैठी है, हो सकता है क्रिश्चियन बेटियां भी हो। हम धर्म की बात कर रहे हैं, न कि हिंदू धर्म की, न कि मुस्लिम धर्म की, न कि क्रिश्चियन धर्म की। अब धर्म की सबसे बड़ी डेफिनेशन क्या होगी? धर्म किसी कहा जाएगा? हमारे यहां पर सबसे पहला धर्म है, जो धर्म के तीन आयाम में बता रहा हूं, वो मुस्लिम, वो प्रिंसिपल मुस्लिम धर्म के लिए लागू है, क्रिश्चियन धर्म के लिए लागू है, और हिंदू धर्म के लिए भी लागू है। सबसे पहला धर्म आपका क्या है पता है? चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, आपका सबसे पहला धर्म है सत्य। क्या है? सत्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जाति से आते हैं, कौन से संप्रदाय से आते हैं, सबसे पहला हमारा धर्म है सत्य। अगर हम अपनी इमारत को झूठ के ऊपर खड़ा करेंगे, पाखंड के ऊपर खड़ा करेंगे, तो हमारी इमारत ढह जाएगी, हमारी इमारत गिर जाएगी। हमारे जीवन का सबसे पहला मजबूत कोई स्तंभ है। अगर आप सब लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, यस या नो, आगे बढ़ना चाहते हैं, लीडरशिप करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, देखो दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक तो भीड़ में चलने वाला और एक भीड़ से आगे चलने वाला, और दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। मैं अभी तक 75,000 बच्चों से मिला हूं, जिसमें IIT, LLB, MBA, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी रहे हैं। तो मेरी फेस रीडिंग इतनी मजबूत हो गई है कि मैं आप लोगों के चेहरे पढ़ करके ये बता सकता हूं कि जीवन में कौन सफल होगा और कौन विफल होगा। आपके जीवन में आपकी मैच्योरिटी, आपकी गंभीरता, आपका बोलने का, चलने का, बैठने का हाव भाव, ये दर्शा देता है कि आपका ज्ञान कितना है, आपका नॉलेज कितना है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपने अभी तक क्या प्राप्त किया है। आपकी फेस रीडिंग ये बता देती है। तो सबसे पहली चीज हम सबके लिए क्या लागू है? बोलो, सत्य लागू है। एक कोई बुढ़िया माई थी, 70 साल की हो गई, तो 70 साल बाद में उसके पीहर से कोई आया, तो बुढ़िया को समाचार मिला कि आपके पीहर से कोई आया है, तो बुढ़िया बड़ी राजी हो गई, पर 2 मिनट बाद में वो रोने भी लगी। तो बेटे ने पूछा, माँ आप क्यों रो रहे हैं? बोले, आज मेरे पीहर से कोई आया है और आज मेरे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, मेरी पोल खुल जाएगी। बेटे ने कहा, माँ कैसी पोल खुल जाएगी? बोले, जब तेरे नाना ने मेरी शादी की थी ना, तो तेरे पिता से झूठ बोला था कि मेरी बेटी बीए पास है। क्या कहा था? बीए पास है, बाकी मैं तो 10वीं क्लास में फेल थी। आज मेरे पीर से कोई आया है और अगर इसने आकर के ये बता दिया कि मेरी बुआ जो है वो 10वीं फेल है, बीए पास नहीं है, तो मेरी पोल खुल जाएगी। यानी कि 60 साल पहले बोला हुआ एक झूठ आज भी उस बुढ़िया को रोने पर मजबूर कर देता है। यानी कि आपके जीवन में अगर असत्य है, आपके जीवन में अगर झूठ है, तो आपकी इमारत बड़ी कमजोर है, बड़ी नाजुक है, वो कभी भी गिर सकती है। तो हमारा धर्म, कोई भी ग्रंथ, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे गीता हो, कुरान हो या बाइबल हो, कोई भी किताब हमसे ये नहीं कहती कि हम झूठ बोले। हर ग्रंथ हमें क्या सिखाता है? सत्य बोलना। तो हमारा सबसे पहला धर्म क्या है? सत्य है। ये सारे सबके लिए लागू है। हमारा दूसरा धर्म है दया। क्या है? दया। आप कोई से भी संप्रदाय में जन्मे हो, कोई से भी जाति में जन्मे हो, पर आपके लिए ये सूत्र लागू है। आप इंसान हो तो आपके जीवन में क्या होनी चाहिए? दया होनी चाहिए। और धर्म का तीसरा सूत्र है प्रेम। क्या है? प्रेम। इस संसार में पंचम पुरुषार्थ
धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अलावा पांचों कोई पुरुषार्थ है तो उसको हम कहते हैं प्रेम। जिस व्यक्ति के अंदर में सत्य है, दया है, प्रेम है, रियल में वही धर्मात्मा है, जिसके जीवन में ये तीनों चीजें हैं। कोई भी धर्म हमें लड़ना झगड़ना द्वेष बैर भाव ईर्ष्या कोई भी धार्मिक किताब यह नहीं सिखाती है। आज हम आप भगवत गीता की बात कर रहे हैं। आप सबके घर में किस किस के घर में है भगवत गीता? है लगभग घरों में है ना। इस भगवत गीता को आप पूरा पढ़िए। गीता में कहीं पर भी किसी धर्म को लेकर के कोई बात नहीं है। गीता में केवल एक ही धर्म है और वो धर्म है मानव धर्म। आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं यह बात हमको कौन सिखाता है? भगवत गीता सिखाती है। आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं? यहां पर बेटियां बैठी हैं तो इस समाज में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किसी पर है तो वो बेटी पर है। बेटे के ऊपर एक घर की जिम्मेदारी होती है, पर बेटियों पर कितने घर की जिम्मेदारी होती है? दो घर की जिम्मेदारी होती है। और कभी कभी तो मैं बेटियों को देखता हूँ ना तो मेरी इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है आप सबके प्रति। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े संत महात्मा जो त्याग नहीं कर सकते, वो त्याग मेरे भारत की बेटी करती है। वो त्याग आप लोगों के अंदर में है। कभी कभी मैं देखता हूँ, कल जब तक जो स्कूल में पढ़ती थी 19 साल की 20 साल की मेरी बेटी, मम्मी ही भोजन करा के देती थी, मम्मी स्कूल बैग देती थी, मम्मी कपड़े धो कर के देती थी, सारा काम जो मम्मी करती थी वैसा ही होता था। और एकाएक उस बेटी की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। कल तक जो खुद बच्ची होती है वो इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो दूसरा घर संभाल लेती है, वो दूसरे लोगों को अपना बना लेती है। आज जैसे हांडा साहब ने बताया, आज हमें घर से निकले हुए 155 दिन से भी ज्यादा हो गए, पर कहीं ना कहीं घर की परिवार की याद आती है, घर जाने का मन करता है। बाकी कार्यक्रम इतनी व्यस्तता है कि हम नहीं जा पाते, पर एक बेटी जो अपने जिस घर में जन्मी, जिस घर में खेल करके बड़ी हुई, जो माता पिता पेरेंट्स भाई बंधु उन सबको एकाएक छोड़ करके और दूसरे परिवार को अपना बना लेना, दूसरे के माता पिता को अपना माता पिता मान लेना, उस पति को अपना सर्वस्व मान लेना और उस परिवार को अपना सब कुछ मान लेना, यह कोई नहीं कर सकता, ये केवल मेरी बेटी कर सकती है, भारत की बहन कर सकती है। एक बड़े से बड़ा संत महात्मा फकीर भी इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता जितना त्याग एक स्त्री करती है, जितना त्याग एक लड़की करती है। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा, यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। इतना त्याग करने वाली और सबका ख्याल रखने वाली एक स्त्री होती है। और आपको एक बात और बताऊं, हमारे यहाँ पर अगर इंसान का प्रथम गुरु किसी को बताया है, आपको पता है प्रथम गुरु कौन होता है? हैं? वाह, बहुत सुंदर जवाब। कौन होता है प्रथम गुरु? माँ होती है। अब देखो, बाप को नहीं कहा, पिता को नहीं कहा, प्रथम गुरु किसको कहा? माँ को कहा। तो हमारी ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, लड़कियों के ऊपर विशेष जिम्मेदारी है। कई बार हम देखते हैं कई बेटियां हमसे मिलती है, कहती है महाराज जी एक बात बताइए, लड़कों के ऊपर तो कोई प्रकार की पाबंदियां नहीं है, लड़के बड़े स्वतंत्र होते हैं, पर लड़कियों के ऊपर तो बहुत सारी पाबंदियां होती है, ये मत पहनो, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, इससे मत बोलो, ऐसे कपड़े मत पहनो, होता है ना? लड़कियों के ऊपर पाबंदियां ज्यादा है कि नहीं है? आप कभी इरिटेट होते हैं इससे? आपको बुरा लगता है? बोलो, किस किस को बुरा लगता है कि हमारे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों है? सबको लगता है, बिल्कुल लगेगा। हर लड़की को ये महसूस होता है कि लड़कों के लिए तो बाइक भी है, बढ़िया मोबाइल भी है, बढ़िया ब्रांडेड शूज भी हैं, कपड़े भी हैं, जहाँ चाहे वो चले भी जाते हैं,
पर हमारे लिए तो बड़ी पाबंदियां हैं, घर से बाहर मत जाओ, अभी मत जाओ, ये मत करे, वो मत करो, बहुत सारी पाबंदियां। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज की बेटी को तो कम से कम ये बहुत बुरा लगता है। जहां हम एक तरफ बात करते हैं कि लड़का और लड़की दोनों समान हैं, और दूसरी तरफ हम भेदभाव करते हैं, लड़कियों के ऊपर इतना अंकुश, इतनी पाबंदियां, तो इसका कारण क्या है बताऊं? इसका कारण यह है, आपने कभी डायमंड देखा किसी जौहरी की दुकान पर? हीरा देखा? हीरा, हीरे को वो जौहरी कहां रखता है? तिजोरी में रखता है, ताला मार के रखता है, सुरक्षा में रखता है, क्योंकि हीरा क्या है बोलो ना, कीमती है, महंगा है, तो उसको कहां रखा जाता है? तिजोरी में, और ताला मार करके सुरक्षा में। हर किसी को देखने नहीं दिया जाता, हर किसी को छूने नहीं दिया जाता, भैया बहुत कीमती है। पर आपने कभी लोहे का गाटर देखा है? गाटर जानते हो? गाटर को क्या कहेंगे कोटा में प्रभु? लोहे की गाटर, लोहे की एंगल, हाँ लोहे की एंगल, जो आपने देखा होगा कभी रोड पर पड़ी रहती है, जहां लोहे का सामान दुकान के आगे, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो लोहे का गाटर कहाँ पड़ा रहता है? बाहर रोड पर पड़ा रहता है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो बेटियां हैं ना, वो क्या है? हीरा है। क्या है? डायमंड है। और लड़के क्या है? लोहे गटर नहीं, हाँ गाटर बोलो। लड़के क्या है? लड़के बेचारे सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्या बोल रही है। हाँ तो लड़के क्या है? वो लोहे का गाटर है, इसलिए वो कहीं जाए पार फिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारी बेटियां क्या है? हीरा है, डायमंड है। जो महंगा हो, जो कीमती हो, उसको सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है? उसको सुरक्षा की जरूरत है। तो आप कभी इस चीज को अलग से न लें, आप समाज की सबसे महंगी चीज हैं, आपकी जरूरत समाज को है, आप बहुत कीमती हैं, इसके लिए आपको छुपा करके रखा जाता है क्योंकि आप कीमती हैं। अब आपको मैं आज ऐसे सूत्र देने आया हूं जिससे आपकी कीमत और हजार गुना हो सकती है, आपकी कीमत और ज्यादा बढ़ सकती है। आप किसी भी मामले में लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती है। आज आप किसी भी फील्ड में देख लो, लड़कियां ओलंपिक में भाग ले रही है, बड़े बड़े नाम ला रही है, लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही है, लड़कियां बड़ी बड़ी साइंटिस्ट हैं, भारत के टॉप मोस्ट जितने भी डॉक्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा लड़कियों के नाम हैं, हर मामले में, किसी भी मामले में। और अभी तो देखो ना, हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है? एक देहात से, एक गांव से आई हुई एक सामान्य सी औरत आज हमारे भारत की प्रधान नागरिक है। तो ऐसा क्षमता, ऐसा पावर आप लोगों के अंदर में भी है कि नहीं है? आप भी अपने आप को उसी लक्ष्य पर देखिए कि एक दिन मुझे भी ऐसा करना है, मुझे अपना जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से, गंभीरता से जीना है, और मुझे भी एक दिन उस पद को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना है। आपका कद कैसा है, आपका रूप कैसा है, और कौन सी जाति से, संप्रदाय से आते हैं, नथिंग मैटर, ये कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, आप अपने आप को सफलता के उच्चतम शिखर पर देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, सिर्फ मैटर इतना है। और मुझे विश्वास है आप जितनी बच्चियां यहां पर बैठी हैं अपने आप को सफल करना चाहती हैं, सफल देखना चाहती हैं, तो उस शिखर को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें रात दिन मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंकना होगा, अपने आप के अंदर में ऊर्जा पैदा करनी होगी। एक आपके जैसे ही कोई गर्ल्स स्कूल थी, तो उस स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आ गया। कौन आया? ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर स्टोरी है। एक गुब्बारा बेचने वाला आया, तो
एक छोटी सी गुड़िया ने उस गुब्बारे बेचने वाले से पूछा, बोले सर ये गुब्बारा उड़ता है? तो गुब्बारे वाले ने कहा यस उड़ता है। तो सर ये येलो वाला? बोले येलो वाला भी उड़ता है। सर ये पिंक वाला? बोले पिंक वाला भी उड़ता है। सर ये रेड वाला? बोले रेड वाला भी उड़ता है। सर ये ब्लैक वाला? बोले ब्लैक वाला भी उड़ता है। फिर उस गुब्बारे वाले ने कहा देखो बेटी, गुब्बारा जो उड़ता है, गुब्बारे के उड़ने में कलर्स का कोई रोल नहीं होता? लाल पीला हरा काला से फर्क पड़ता है? तो गुब्बारा उड़ने में रोल किसका होता है? किसका होता है? गैस का होता है ना। तो आपको पता है आपके जीवन में कलर्स क्या है? आपके मम्मी पापा, आपका घर, आपकी सुविधाएं, आपके टीचर्स, आपका स्कूल, स्कूल बैग, स्कूल जाने का साधन, आपके सारे जो चीजें हैं ये केवल कलर्स हैं। क्या है? तो आपका स्कूल कैसा है, आप कौन सी जाति में जन्मे, कौन से संप्रदाय में जन्मे, आपको टीचर्स कैसे मिले, आपको मम्मी पापा कैसे मिले, ये कोई मायने नहीं रखता। ये आपकी सफलता में कहीं अड़चन नहीं है। आपके जीवन की सफलता कलर्स से नहीं है, आपके जीवन की सफलता आपकी ऊर्जा से है, आपके जीवन की सफलता आपके अंदर में जो पावर है उससे है। आपके अंदर में ऊर्जा कितनी है, आप सफल होना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये ललक आपके अंदर में है कि नहीं है। केवल सपने देखने से नहीं होता, उन सपनों की उड़ान में जो मेहनत लगती है वो मेहनत आपके अंदर में होनी चाहिए। आज अक्सर बच्चे पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, सफलता का सबसे पहला सूत्र है कि जो काम आप कर रहे हैं क्या उस काम में आपका इंटरेस्ट है? क्या आप स्कूल आ रहे हो, घर जा रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, पर क्या आपका इसमें इंटरेस्ट है? अगर इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप केवल अपना 4 घंटे का समय खराब करेंगे, बाकी आप अपने जीवन में जो स्वप्न आपने देखा है वो सपना आपका पूरा नहीं होगा। आज के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लुक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं और बुक्स पे कम ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? लुक्स पे। और बुक्स पे? बुक्स पे कम ध्यान दे। आप क्या, आपका आपका ध्यान कहाँ रहता है ज्यादा, लुक्स पे कि बुक्स पे? नो डाउट मुझे पता आप यही कहोगे कि सर हमारा तो बुक्स पे रहता है, पर ध्यान दो आपके टीचर्स भी आपको देख रहे हैं कि किसका ध्यान कितना बुक्स पर है। तो जो ध्यान आपका लुक्स पर है वो तो 15-20 साल का ही है, बाकी अभी ज्यादा ध्यान इस पे दिया तो आगे के साल हमारे बड़े दुखी हो जाएंगे। तो अभी हमें ध्यान किस पे देना है? बुक्स पे देना है। और एक पर्सनल क्वेश्चन कर लूं आपसे, जवाब देंगे आप? अच्छा ये बताओ पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? वाह, एक बेटी ने हाथ ऊपर किया, धन्यवाद। ये ईमानदारी, ये सत्यता हमारे अंदर में होनी चाहिए। तो एक बार दोबारा से बताओ पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? वाह, अब कई हाथ ऊपर कर रहे हैं, कई नहीं कर रहे हैं, पर मैं जानता हूं कि लगभग के पास में पर्सनल मोबाइल है। अच्छा पढ़ते समय भी कभी मोबाइल याद आता है? हैं? पढ़ते समय नहीं याद आता? पढ़ते समय कभी इंस्टाग्राम फेसबुक थोड़ा सा खोल के देखने ऐसा मन होता है ना, और फिर उसको थोड़ा सा देखने के चक्कर में कब घंटों निकल जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। और फिर यह भी होता है कि चलो आज की पढ़ाई तो हो गई, अब कल पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पढ़ते समय मोबाइल याद आ रहा है, बच्चे फ्रेंड्स याद आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा ध्यान, हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है। तो अगर आपको सफल होना है तो अपने पढ़ाई के तरफ इंटरेस्ट को बढ़ाएं, अपने पढ़ाई की कीमत को समझें, अपने समय की कीमत को समझें, क्योंकि कीमत को समझ लेंगे तो इंटरेस्ट अपने आप जागृत हो जाएगा। अपने टैलेंट को पहचाने, जितनी बच्चियां यहां पर बैठी हैं मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप सबके अंदर में एक ऐसा टैलेंट होगा जो आप कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। कई कई बच्चियां मेरी देख रहा हूं मैं, 17, 18, 19 साल की बच्चियां मुझे दिखाई पड़ रही है,
दो तीन साल के बाद में तो घर वाले विवाह के लिए कहने लग जाएंगे, बोले अब देखो कई बार होता लड़कियों के साथ तो विशेष होता है, घर में जब भी किसी की शादी होती है तो मम्मी पापा कहने लग जाते हैं कि देख तू फटाफट पढ़ाई कर ले, अगला तेरा ही नंबर है। हुआ है आपके साथ में ऐसा है? नहीं हुआ? मम्मी पापा ऐसा नहीं कहते? देखो कई बच्चियां हाँ कर रही है, ऐसे कईयों के साथ हो रहा है। नहीं, कई बच्चियां 18-19-20 साल की है तो अक्सर ये होता है, नहीं कह रहे हैं तो कहने लग जाएंगे साल दो साल में, जब आप थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो घर में यही होता है, जब आप थोड़े से बड़े दिखने लगते हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या बनना है, क्या करना है, उस पे ज्यादा ध्यान नहीं होता। घर में जो ही बच्चियां बड़ी होती है तो मम्मी पापा क्या कहने लग जाते हैं, घर में कोई भी शादी हो, एक वो मुझे एक वो स्टोरी याद आ रही है, घर में एक मौसी और भांजा, कौन थे? मौसी और मौसी थी 65 वर्ष की और भांजा था 25 वर्ष का, और दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी, अच्छी फ्रेंडशिप मौसी और भांजा में, तो दोनों में अच्छी पड़ती थी। अब घर में कोई भी शादी होती तो वो मौसी अपने भांजा से कहती, सुन अगला तेरा नंबर है। वो कहता, मौसी क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपना नाम करना, फिर घर में कोई शादी हो, मौसी फिर को नहीं लगाए, सुन अगला तेरा नंबर है, फिर कोई घर में शादी हो अगला तेरा नंबर। भांजा बड़ा परेशान हो गया मौसी से, अगला तेरा नंबर, अगला तेरा। एक दिन उसी घर में कोई मर गया, डेथ हो गई, तो मौसी भांजे पास में खड़े थे, तो आज भांजे को भी मौका मिल गया। समझ में आ गई बात? भांजा को नहीं लगा करके कहने लगा, मौसी अगला तेरा नंबर है, अगला तेरा नंबर है, तो हमारा नंबर भी कब आ जाए, इसलिए समय रहते मेहनत करो, अपने जीवन की गंभीरता को समझो। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर क्या है? सबसे बड़ा वेलफेयर किसे कहोगे? अगर आपको प्यास लगी हो और कोई पानी पिलाए तो उस पानी का असर आपकी बॉडी में कितनी देर रहता है, बोलो? हैं? 2 घंटे? 3 घंटे? फिर दोबारा पानी चाहिए। और भोजन का असर हमारी बॉडी में कितनी देर रहता है? 8 घंटे? 10 घंटे? फिर भोजन चाहिए। अच्छा, कोई अच्छा उपदेश, कोई अच्छा विचार हमको मिल जाए तो उसका असर हमारी बॉडी में कितनी देर रहता है, बोलो? उसका असर हमारे यहां पर रहता है जीवन भर रहता है। तो सबसे बड़ा वेलफेयर यह है कि हमको कहीं से भी कोई अच्छा विचार मिले तो उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें उसको सीखना चाहिए कि यहां से हमको कोई अच्छी बात सीखने को मिली है, और वो एक बात होती है जो हमारे जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन कर देती है। हमारे जीवन में हमारी नासमझी के कारण, हमारी अज्ञानता कारण आने वाली बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भगवान नहीं क्रिएट करता है, भगवान प्रॉब्लम्स नहीं देता है, प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट करता है? हम स्वयं करते हैं, हमारा अज्ञान प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो हमें जरूरत होती है एक अच्छी विचार की, एक अच्छे बात की और एक अच्छी क्रांति की। हमारे जीवन में सबसे बड़ा वेलफेयर यही है कि हमारे जीवन में कोई अच्छी बात आ जाए, कोई अच्छी क्रांति आ जाए। तो आज आप नर्सरी से लेकर जब LLB करेंगे, कोई MBA करेगा, कोई IIT करेगा, तो लगभग आपको हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी। उन हजारों किताबों को पढ़ेंगे तो आपका बुद्धि बल जो है वो बड़ा तेज हो जाएगा, पर आपका बुद्धि बल तभी काम करेगा जब आपके पास में मनोबल होगा। तो आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? मनोबल की आवश्यकता है। बुद्धि बल, ज्ञान बल, धन बल, ये तीनों चीजें तभी काम करती है जब आपके पास में क्या होता है? मनोबल होता है। और मनोबल आता है अच्छे संस्कारों से, मनोबल आता है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से। आप हजारों किताबें पढ़ करके बुद्धि बल तेज कर सकते हो, पर आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसी कौन सी बात है
जब हम जिंदगी में हमारे सामने ऐसी कोई चुनौती आकर के खड़ी हो जाए, हम घबरा जाएं, हम हारने की कगार पर हो और उस समय भी हमारी हिम्मत न टूटे, उस समय भी हम खड़े रहें, उस समय भी हम डरे नहीं, भयभीत न हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे मनोबल को बढ़ाती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है? क्या आप में से कोई इसका जवाब दे सकता है? बताओ बेटा, अरे वाह बेटा, क्या नाम है आपका? अरे बहुत सुंदर जवाब, बैठो बेटा, खूब सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई मेरी बहन बताएगी? आदमी अगर हारने की कगार पर आ जाए, टूट जाए, बिखर जाए, तो उसके अंदर में हिम्मत कहां से आती है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमको चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य देती है? हम घबराएं नहीं, हमारी हिम्मत बढ़े, हमारे अंदर मनोबल हो, आत्मविश्वास हो कि पहाड़ के समान भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाए तो वो हमारे सामने आकर के राई के समान हो जाए। किसके समान हो जाए? राई के समान। तो ये पावर कहां से आती है, मनोबल कैसे बढ़ता है, कोई बताएगा मुझे? और कोई किसी को थोड़ा बहुत कुछ जवाब आता है? मनोबल कैसे बढ़ेगा, आत्मविश्वास कैसे डेवलप होता है, धैर्य, मैम ने कहा धैर्य, उम्मीद, ये बेटी ने जो कहा, मैम ने जो कहा, धैर्य, उम्मीद, आशा, भगवान की कृपा, ये सारी चीजें मनोबल को बढ़ाने वाली हैं। और ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल सकती है पता है? आप नर्सरी से लेकर एमबीए करेंगे, एलएलबी करेंगे, तो आपको हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं हर जगह पे करता हूँ, आपसे भी करूँगा, फिर मैं अपनी बात को पूरा करूँगा। इसमें आपका दिमाग का टेस्ट भी हो जाएगा, पता पड़ जाएगा कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, अभी पता पड़ जाएगा मेरे को। तो एक क्वेश्चन करूँ मैं आपसे और, बोलो बेटियों, करूँ, रेडी, पूछ लूँ? जो सबसे पहले जवाब देगा तो उसको मैं हमारे सर से इनाम दिलवाऊँगा, मेरे पास तो नहीं है, सर से दिलाऊंगा। हाँ, तो आप जवाब देंगे, रेडी? तो मेरा प्रश्न यह है कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितने जीरो लगेंगे, फटाफट बताओ, हैं? 5 वाले हाथ ऊपर करो, सही जवाब है इनका। 6 कौन कर रहे हैं? 6 दोनों का गलत जवाब, 7 जीरो लगेंगे, हैं? हाथ ऊपर करो, 7 वाले, 7 वाले हाथ ऊपर करो। तो कितना जीरो लगेगा, 7 वाले हाथ ऊपर करिए जरा, अरे वाह, थैंक यू। 5 वाले, कई कई तो 7 में, 5 में, 6 में, सब में ही, उनका अपना ही ठिकाना नहीं है, हैं? 10 लाख का चेक भरना हो तो कितने जीरो लगेंगे? छह जीरो लगेंगे। कितने जीरो लगेंगे? 6 जीरो लगेगा। अब इसमें से अगर एक जीरो हटा दिया जाए तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी, रहेगी ना, कितने की रहेगी? 1 लाख की। और एक जीरो और हटा दिया जाए तो, एक जीरो और हटा दिया जाए तो, एक जीरो और हटा दिया जाए तो, और सारे जीरो हटा दिया जाए तो, फिर भी वैल्यू है ना, चेक की वैल्यू है। अच्छा, जीरो को एज इट इज रखिए और एक को हटा दीजिए, अब चेक की वैल्यू है? अब चेक की वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू एक से है, न की जीरो से है, जीरो चाहे तुम कितने लगाओ। तो हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में वो एक क्या है, वो एक हम किसको कहेंगे? आप जितनी भी डिग्रियां लेंगे वो डिग्रियां केवल जीरो हैं, वो आपकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, पर अगर आपके अंदर वो एक, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, अध्यात्म का ज्ञान, वो अगर हमारे अंदर में नहीं होगा
तो न तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और न ही हमारी वैल्यू बढ़ेगी। तो हमारे जीवन में एक क्या है, आध्यात्म है। हमारे जीवन में वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो आप अपने स्कूल की किताबों में, जहां पर आप 1000 किताब पढ़ रहे हैं, उन किताबों में आपको एक किताब और सम्मिलित करनी पड़ेगी, और उस किताब का क्या नाम है, श्रीमद् भगवत गीता। किसी को इसके बारे में आता है कुछ, किसी को आता है, एकाद श्लोक को ही आता है, किसी को कभी पढ़ा आपने, सुनते हो, कभी श्लोक नहीं याद आपकी, आपने पढ़ा नहीं, आपने सुनते हैं। मैं आपको बताऊं, ये भगवत गीता जिसमें श्री कृष्ण ने वो अनमोल ज्ञान दिया है कि अगर कोई बच्चा चैलेंज के साथ में इसको पढ़ ले, समझ ले, तो मैं गारंटी देता हूं दुनिया में कोई और कुछ ज्ञान आपके लिए शेष नहीं रह जाएगा। जिसने इसको जान लिया हो उसने बहुत अध्यात्म और बहुत नॉलेज। अपने जीवन में हम चुनौतियों से कैसे लड़ सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मनोचिकित्सक किताब है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, उस किताब का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। फ्रांसीसी, चाइनीज, इटालियन, हर एक भाषा में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो मैं आप लोगों के पास इसलिए आया हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में सफल हो जाएं, आपका जीवन सुंदर हो, आपको अपने जीवन में कभी रोना नहीं पड़े, आप अपने जीवन में कभी दुखी न हो, आप राष्ट्र की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, और आप जिस भी फील्ड में रहें हर जगह पर आपको मान मिले, सम्मान मिले, आप खुश रहें। और ये अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप एक बार भगवत गीता को पढ़ें, इसको समझें। और मुझे बताया है कि आप हजारों किताबें, जब इतनी कठोर कठोर किताबें पढ़ सकते हैं तो आप भगवत गीता को भी पढ़ सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने के लिए आया था। तो आज अगर ये किताब मैं आपको गिफ्ट दे करके जाऊं तो एक्सेप्ट यू, अब लेंगे, लेंगे गिफ्ट, लेंगे मेरे से, फिर क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, सरस्वती मैया बैठी है सामने, झूठ तो नहीं कह रहे हैं, कौन कौन पढ़ेगा हाथ ऊपर करके बताओ, पक्का प्रॉमिस, या फिर घर ले जाकर के दादी को, लो दादी जी मैं आपके लिए क्या लाई हूं, ऐसा तो नहीं करेंगे, पक्का पढ़ेंगे। देखो आप इसको पढ़ेंगे तो मुझे क्या बेनिफिट होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये मुझे अगर पर्सनली कोई पूछे ना कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम मेरे भारत के युवाओं और बच्चों से करता हूं। इसलिए मैं आपके बीच में हूं, इसलिए मैं आपको आकर के इतना समझा रहा हूं। और आप अपने जीवन में अगर अपने आप को उच्च स्तर पर देखना चाहते हैं, इसलिए आपको अपने बुद्धि का स्तर बड़ा करना पड़ेगा। और बुद्धि का स्तर बड़ा करने के लिए इससे बड़ी उपयोगी कोई किताब नहीं हो सकती। मैं गारंटी देता हूं आज सबके सामने बैठ करके, अगर आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और इस चैलेंज को पूरा कर लिया, भगवत गीता को आपने जान लिया, तो और कुछ आपके लिए जानना शेष नहीं रहेगा। निश्चित आप पढ़ेंगे, एक बार फिर से हाथ ऊपर करके बताओ, है? देखो ये कितना आलस कर रही है हाथ ऊपर करके, और उनके सारे स्टाफ के बंधु और भगनियों के साथ हम आयोजित करेंगे, और फिर आपको एक उचित स्तर पर हम सम्मान भी करेंगे। मैं अर्चना को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस सुंदर आयोजन में जो अविस्मरणीय सहयोग, बहुत सारे हर्डल्स थे, वो मुझे पता है कितनी सारी बाधाएं यहाँ रही हैं, लेकिन फिर भी एक आयोजन यहाँ बना सके, उस आपके जीवन में आत्मविश्वास आएगा, शक्ति आएगी और आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको पढ़िएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, एक एक दो दो पन्ने रोज पढ़ेंगे तो आपके जीवन में आत्मविश्वास आएगा, शक्ति